कमलनाथ सरकार को आज एक साल पूरे होने पर पीसीसी कार्यालय में जश्न जैसा माहौल है। इसी के चलते नरसिंहगढ़ बैंड की प्रस्तुति दी गई, पीसीसी कार्यालय को सजाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का आज एक वर्ष पूर्ण हुआ है। यह एक वर्ष बेमिसाल के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए हमने चुनाव के पूर्व एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। कमलनाथ जी ने इस एक वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में इस नारे को चरितार्थ किया है। सरकार क्या होती है जनता को बताया। इस एक वर्ष में हमने किसानों की कर्ज माफी से लेकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर महाकाल और उज्जैन महाकाल और ओंकारेश्वर के विस्तार की योजना बनाई, मिलावट को लेकर शुद्ध का अभियान चलाया, माफिया मुक्त अभियान चलाया, कन्या विवाह की राशि दोगुनी करी, बिजली सस्ती करी, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 86% लोगों को हमने बिजली उपलब्ध कराई। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डबल करी। इंदौर भोपाल में मेट्रो का ट्रेन का काम प्रारंभ किया। तो लगातार कई जनहितैषी निर्णय किए और 365 दिन में 365 वचन को पूरा किया। तो लगातार जिस प्रकार से जनता हित में कमलनाथ जी ने काम करें, वक्त बदलाव का नारे को भी चरितार्थ किया, सरकार क्या होती है ये भी बताया, प्रदेश की तस्वीर बदल के रखी। निश्चित तौर पर आज पीसीसी में जश्न का माहौल है। हमारे मुख्यमंत्री के रूप में सरकार को कमलनाथ जी को एक वर्ष पूर्ण हुआ है, तो आज खुशियां मनाई जाएगी। आतिशबाजी बैंड का नरसिंहपुर से एक बैंड आया है जो प्रस्तुतियां देगा, उसके साथ साथ मिठाई का वितरण होगा, भजन संध्या भी होगी और कई आयोजन होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।